वो कहते हैं ना, कलयुग का दौर चल रहा है, कदम जरा फूक फूक कर ही रखिए। इस दौर में किसी पर कोई भरोसा करे तो भी कैसे। जब एक दोस्त ही कुछ पैसों की लालच में अपने दोस्त की जान ले ले तो भरोसा किस पर किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल पूरे समाज के लिए खड़ा हो जाता है। मिली जानकारी के अनुसार नाला सुपारा के रफिक कंपाउंड पिलहार इलाके में रहने वाला कमरुद्दीन चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है, अपने पिता के साथ भंगार का व्यापार किया करता था। उसी इलाके में आसपास रहने वाले मोहम्मद सुफियान, नदीम अहमद शेख, जिशान उर्फ सोनू खान उसके दोस्त बन गए थे। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों आरोपियों ने मिलकर एक प्लान के तहत कमरुद्दीन को सस्ते दामों में ढेर सारा भंगार दिलाने का लालच देकर भिवंडी चलने की बात कही और चौधरी को बाइक पर लेकर नाला सुपारा से भिवंडी की तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद पीछे बैठे नदीम ने अपने साथ लाई हुई देसी पिस्तौल से कमरुद्दीन पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके जेब में लाखों रुपयों की लालच में मर्डर को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को बस मिले कुछ रुपए। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्राइम DCP अविनाश अंबुरे ने क्या कहा। 13 तारीख को मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अज्ञात किस्म का किसी अज्ञात लोगों ने उसका खून किया, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद मांडवी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 166/22 के तहत 302 का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद में इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इसम जिसका खून किया गया था उसका नाम कमरुद्दीन चौधरी है, जो रहने वाला नाला सोपारा का है और जो भंगार व्यवसाय में काम भी करता है। उसके बाद में हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला कि कमरुद्दीन चौधरी किसी दोस्त के साथ में भिवंडी किसी काम से गया था। वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट 2 के सभी ऑफिसर्स और टीम ने मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन शेख को हमने ताबे में लिया और उसके बाद उसके पूछताछ में हमें पता चला कि सुफियान ने उसके साथ में उसके दो साथीदारों ने एक गावटी पिस्टल से जो मैत है कमरुद्दीन का उसके पर दो राउंड फायर करके उसका खून किया था, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी में हमने सुफियान को ताबे में लिया और उसके साथ में जो दो लोग थे उसमें से सोनू जावेद खान को हमने पहले ताबे में लिया और उन दोनों के पूछताछ में पता चला कि ये जो नदीम शेख है ये ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहा था। तो इमीडिएटली हमारे टीम ने वहाँ के रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके भुसावल रेलवे स्टेशन से वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी इम्पॉर्टेंट ऑफेंस में हमने तीनों आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर हमने गिरफ्तार किया है और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तेमाल हुआ था, जो गावटी पिस्टल है, उसको भी रिकवर किया है। करीबन 36 राउंड हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने जब्त कर लिया। फिलहाल तो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हत्या का मोटिव तो पैसों का चोरी या पैसे उसके पास से निकालने के लिए इन्होंने ये किया है ऐसा लगता है। और जो सुफियान है वो इसका दोस्त था काफ़ी सालों से और उसकी चाइनीज़ की गाड़ी है जहाँ पर वो नाला सुपारा में लगाता है और उसके जो बाकी के दो साथीदार हैं वो वही गाड़ी पे उसके साथ में उनकी पहचान। अभी उनकी 22 तारीख तक कस्टडी हमको मिली है सभी आरोपियों की। कस्टडी में हमें बाकी की चीज़ें हम लोग उनको 48 आवर्स में हमने तीन आरोपियों को हमने गिरफ्तार 6 डेज हमको PCR मिली है, उसमें हम लोग ये आगे की तब्दीस करेंगे। हमारी पूरी टीम उसमें PI रनवरे, API कामले और उनकी पूरी यूनिट 2 की टीम पूरे ऑफेंस जिस दिन हमें इस घटना की हमें मालूम हुई उसी दिन से हमारी पूरी टीम इसमें काम में जुट गई थी। हमारे गोपनीय सूत्र भी उसमें उन्होंने हमारे काफ़ी सहयोग किया और पहले हमने सुफियान को जब हमने ताबे में लिया तो उसके पास से पूछताछ में हमें पता चला कि और दो आरोपियों ने इसको उसके साथ में इस गुने का अंजाम किया है। इसलिए ये पूरा 48 आवर्स में हमने सुफियान, उसके बाद में सोनू जावेद खान और उसके बाद में नदीम को हमने ताबे में लिया। अपराधियों को एक को दो आरोपियों को हमने यहाँ पर मीरा भाईंदर और वसई विरार से कलेक्ट किया है और तीसरा जो नदीम है उसको हमने भुसावल रेलवे पुलिस स्टेशन से हमने गिरफ्तार किया।